स्टूडेंट्स, आज हम गुंजन में से ओ की मात्रा और पार्ट तोता और मोर को पढ़ेंगे। हम सबसे पहले ओ की मात्रा को सीखेंगे, उसके बाद ही तो हम इस पार्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, जब हमारे गले में से ध्वनि का उच्चारण ओ होगा, जब साउंड ओ की आवाज आएगी, तो हम ये याद रखेंगे कि हमें ये मात्रा लगानी है ओ की। सिंगल मात्रा आती है, शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा आती है। जब भी हमारे गले में से उच्चारण होगा ध्वनि का ओ, ओखली वाला ओ, तो हमें कौन सी ध्यान लगानी है मात्रा, ये वाली। जैसे हमने क और क के साथ हमने क्या बोला, को, यानी ओ की मात्रा आएगी। क पे कौन सी मात्रा आएगी, ओ की। अब हमने बोला ल, ल के साथ हमने एकदम ध्वनि का उच्चारण किया लो, तो कौन सी आएगी मात्रा, लो, यानी ओ की मात्रा के लिए हम इस मात्रा को लगाएंगे। प, पो, ओ की ध्वनि का उच्चारण, उच्चारण ओ होगा और हमारे ध्वनि का उच्चारण आया दिमाग में ओ, यानी कि ओ की मात्रा, यानी ये वाली मात्रा, तो हम कौन सी मात्रा लगाएंगे, पो, ट, टो, ध, ठो, सब में किसकी आवाज है, ओ की, यानी ओ की मात्रा लगेगी। ट, टो, यानी ओ की आवाज है, तो मात्रा किसकी लगेगी, ओ की। ठीक है, समझ में आया। च, चो, म, मो, ह, हो, द, दो, ज, जो, अ, ओ। अब बच्चों, हम इन्हीं वर्णों से जो जिन पर हमने मात्रा लगाई है, इनसे कुछ शब्द बनाकर देखेंगे। जैसे कोट, ठीक है, मो, मोर, ढो, ढोलक। देखो, ढो, ल, क, तो, तोता, द, दो, ठीक है, हो, होली, पो, पोटली, टो, टोकरी, जो, जोकर, मो, मोर, मो, मोटर, चो, चोंच। आपको समझ में आया, इतने सारे शब्दों में हमने ओ की मात्रा को समझा। अब हम ओ की मात्रा से संबंधित कुछ शब्द और कुछ वाक्य पढ़ेंगे। अ, ओ, ओखली, ओस, कोट, कोयल, मोटर, सरोवर, ढोल, ढोलक, झरोखा, मनोहर, मोती, मोगरा, तोड़ना, घन घन, घोर, धोबी, टोकरी, कोहनी, होन होन, हार होनहार। कौन है, जोकर, ये कौन है, देखो, जोकर, अभी हमने पढ़ा था ना, देखो, जोकर मोटर पर आया, देखो मोटर पर आया, गोल टोपी, देखो दोनों में ओ की मात्रा आ रही है, लाल रंग की, देखो, गोल टोपी लगा कर आया। अब देखो, सोमवार को होली थी, ये सारे अक्षर मैंने आपको भी पढ़ाए हैं ओ की मात्रा वाले। सोमवार में भी ओ की मात्रा आती है, देखो, दोपहर को हमने होली खेली,
फिर गरम गरम समोसे। देखो समोसे में भी ओ की मात्रा आती है, खाए। फिर गरम गरम समोसे खाए। अब आपको समझ में आया ओ की मात्रा के वाक्य, और ओ की मात्रा आपको याद भी हो। अपना पाठ पढ़ेंगे जो कि गुंजन में है, तोता और मोर। देखो ये है तोता और ये मोर, दोनों मित्र हैं। हम उसके बारे में पाठ पढ़ेंगे। तोता और मोर। एक पेड़ पर दो पक्षी रहते थे, एक था मोर और दूसरा तोता। देखो दो पक्षी, पक्षी में कौन कौन हुए, मोर और तोता। तोते का घर पेड़ पर था। मैंने बताया था ना, वृक्ष वृक्ष पेड़ दोनों एक ही बात है। और तोते का हाउस कहाँ पे था, घर कहाँ पे था, पेड़ पर। मोर नीचे, धरती का मतलब क्या होता है, धरती जमीन। मोर नीचे धरती यानी जमीन पर नाचता था, वह तो पेड़ पर सोता। मोर दिन में तो धरती पर नाचता था और रात को वो पेड़ पर सोता। मोर और तोता मित्र बन गए, वो दोनों दोस्त बन गए। एक दिन मोर को भूख लगी, उसने तोते से कहा, मुझे भूख लगी है। तोता बोला, लो ये फल खाओ, आज सुबह बगीचे से लाया था, खाओ खाओ। मोर ने पूछा, तुम और तुम ना खाओगे? तोता बोला, एक तेरा एक मेरा, तुम मेरे मित्र हो, चलो हम साथ साथ खाते हैं। अब आपको समझ आया, दोस्ती में मिलकर बांटकर खाते हैं। और इसमें कितने सारे शब्द ओ की मात्रा के आए हैं, आपको पीले रंग से उन ओ की मात्रा वाले शब्दों पर रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन डालनी है जो ओ की मात्रा है, ठीक है? और मम्मी पापा की हेल्प नहीं लेनी, ओके? नेक्स्ट, अब हम फिलअप्स करेंगे, यानी खाली स्थान भरो। पेड़ पर कौन कौन रहते थे, पेड़ पर मोर और तोता रहते थे। मोर कहाँ नाचता था, मोर जमीन पर नाचता था। मोर कहाँ सोता था, मोर पेड़ पर सोता था। तोते ने मोर को क्या दिया, तोते ने मोर को फल दिया। चलो अब आप इसका अभ्यास करना, पाठ्य पठन करना अच्छे से, और अभ्यास पुस्तिका को खुद से करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।